स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एनसीसी की 52 बटालियंस ने नांदेड़ में शहीदों को दी सलामी, साथ ही शहीदों के परिवारों को आमंत्रित कर सम्मानित किया। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 24 परिवारों को इस अवसर पर नांदेड़, हिंगोली और परभणी जिले के शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। कमांडिंग ऑफिसर एम रंगाराव ने बताया कि उन्हें बैज ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर पूर्व सांसद वेंकटेश काबदे समेत कई मान्यवर लोग मौजूद थे। नवभारत समाचार के लिए नांदेड़ से नरेश तिवार की रिपोर्ट। किस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और क्या करना है? द पार्ट ऑफ आवर आज़ादी का अमृत महोत्सव का है। आज़ादी अमृत महोत्सव में अपना गवर्नमेंट ने जितना शहीदों का सभी को श्रद्धांजलि घटाने के लिए नेशनल वाइज एक कैंपेन चलाया था, उसका तहत एनसीसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। जितना नेस्ट ऑफ किन से जो मार्टियर्स का, उनको बुला के उनको अच्छी तरह से सम्मानित करें और उनका एक मोमेंटो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू एनसीसी को दिया गया, उनका प्रेजेंटेशन दे। ये प्लाग विथ ग्रैटिट्यूड है। ये बढ़िया सा मतलब मोमेंटो गवर्नमेंट ने इसको सभी शहीदों का फैमिली मेंबर्स को दे रहे हैं। उसी पार्ट का तहत हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके बाद हम सभी को मोमेंटो के साथ सत्कार करेंगे, उसके बाद जलपान करके उनको अपना अपना जगह हम भिजवा देंगे। कितने कितने परिजन हैं? ये है हमारा तीनों डिस्ट्रिक्ट का रिस्पांसिबिलिटी है, 52 महाराष्ट्र बटालियन नांदेड़ का, ये नांदेड़, परभणी और हिंगोली का। ये टोटल तीनों डिस्ट्रिक्ट का हमारे पास फिलहाल 24 मार्टियर्स है। उनका जो परिजनों को हमने बुलाया था, अभी जैसा आप लोगों को देखा ना, इधर श्रद्धांजलि के बाद अभी अंदर मोमेंटोस का प्रेजेंटेशन होगा।